यूक्रेन पर रूस हमले के बाद वहां से पंजाब वापस आए मेडिकल स्टूडेंट्स की आगे की पढ़ाई को लेकर सरकारों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब वह अपना ट्रांसफर यूक्रेन से करवा जॉर्जिया, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई करेंगे। सरकार ने अपने देशों में इनके एडमिशन के लिए कुछ किया तक नहीं, लेकिन अब उन छात्रों को यूक्रेन भेजने वाली प्राइवेट एजेंसियों ने स्टूडेंट के एडमिशन इन देशों में करवाए हैं। कुछ के एडमिशन हो रहे हैं जहां आगे की पढ़ाई करने के लिए वे जा सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध करने के बाद पंजाब में कम से कम 500 मिनट स्टूडेंट वापस आ गए थे, जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे क्योंकि उनकी मेडिकल की पढ़ाई उधर ही अटक गई थी। पठानकोट जिले से 25 स्टूडेंट यूक्रेन से वापस आए थे। शहर के पटेल नगर की स्टार ने कि वे अप्रैल में वापस आए थे। सभी अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, लेकिन उन्हें पढ़ाई के लिए भागने वाली अमृतसर की एजुकेशन एजेंसी ने मदद की और यूक्रेन से सर्टिफिकेट लाकर उनकी आगे की पढ़ाई के लिए जॉर्जिया के बातूमी सिटी स्थित बाउ यूनिवर्सिटी में करा दिया है, जहां उनकी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है। अभी तो उन्होंने तो ट्रांसफ़र फर्स्ट ईयर के लिए तो वैलिड ही नहीं करवाया, तो जो हम मतलब अपने रिस्क पे ही जा रहे हैं। यहाँ उन्होंने बोला है कि आप फर्स्ट ईयर से एडमिशन ले सकते हो स्टार्टिंग से, अगर इंडिया आके फिर से एग्ज़ाम देना है तो। कुछ बच्चों ने फिर से एडमिशन लिए अलग अलग कंट्रीज़ में या जहाँ मैं जा रही हूँ बाहू, तो अभी तो बस ऐसे ही अभी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए जो खुद फिजिकली लेके आने वहाँ से। जो डॉक्टर सत्तू थे उनकी तरफ से क्या सपोर्ट दी जा रही है बच्चों को? वो लोग हमारे ट्रांसक्रिप्ट खुद लेके आ रहे हैं, वही हमारा सारा प्रोसीजर करवा रहे हैं। तो पठानकोट से कितने बच्चे थे? 20 के आसपास थे। तो उनका सभी का एडमिशन जो है वो करवा रहे हैं। तो इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसिलिटीज दी जा रही है कुछ? अभी तक तो कुछ भी नहीं है। ये मार्च में जब युद्ध हुआ था, जब उसके बाद ये आ गए थे यहाँ पे, तो जो अब अमृतसर की जो इनकी एडोपीडिया वाले हैं ना, वो इनकी हेल्प कर रहे हैं सारी, वो इनको ट्रांसफ़र करवा रहे हैं यूक्रेन से, जॉर्जिया लेके जा रहे हैं। जॉर्जिया यूनिवर्सिटी जो बाऊ यूनिवर्सिटी है उधर एडमिशन करवाई है, और फर्स्ट ईयर वालों की गवर्नमेंट ने कोई MCI ने कोई इनकी वैलिडिटी नहीं की, कहते फर्स्ट ईयर में जो होगा उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है, और ये सेकेंड ईयर में अपने रिस्क पर जा रहे हैं, वो ट्रांसफ़र करके जा रहे हैं, और ये कहते हैं कि हमने इंडिया में आना नहीं। जब इंडिया वाले हेल्प ही नहीं हमारी कर रहे, तो हमने इंडिया में आके क्या करना फिर? तो कितने बच्चे जो जा रहे हैं यहाँ से, जितने भी एडोपीडिया वाले वो तो ट्रांसफ़र करवा रहे हैं इनकी सारी। तो कौन कौन सी जगह पर जो बच्चों की ट्रांसफ़र की गई है, कौन कौन से कॉलेज? ज़्यादातर तो बाऊ यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, बाकी कजाकिस्तान थोड़े कर रहे हैं, ऐसे एडजस्टमेंट वो करवा रहे हैं, वो ट्रांसफ़र भी इनकी ला रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। तो इंडिया की तरफ से कोई हेल्प नहीं है इंडिया की तरफ से?